फिलहाल अपना लोडिंग हो गया हुआ है, अभी निकलते हैं। सुबह का ही अपना लोडिंग मिला, तो चलिए चलते हैं। फिलहाल अभी तो हम आ गए बाईपास में, और बाईपास से ये देख सकते हो बाईपास, बारिश भी आ गई है, यहाँ पे बारिश आ गया हुआ है, हल्का हल्का बारिश है। तो कोई नहीं, मुझे मेरे घर ही में वैसा भीगने का कोई सामान है नहीं, तांबूल है, उसे पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे देखो बारिश आ गया हुआ है हल्का हल्का, और मौसम भी बहुत गड़बड़ कर रहा है, लग रहा है बारिश जोरों का आएगा। और कोई नहीं, मैं तो अभी नहा धो कर आया हूँ, क्योंकि आज जुम्मा भी है, तो नमाज जुम्मा भी अदा करना है। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने लोकल मस्जिद में आके, जहाँ पे मैं रहता हूँ उस लोकल मस्जिद में आके नमाज जुम्मा अदा करूँ। सीधे चलते हैं, और लगता है मुझे बारिश जोरों का आने वाला है। देखो आप, तो बारिश तो आ ही गया, अभी तो वाईफाई भी चलाना पड़ेगा। बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो रहा है, चलिए चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, पहुंचने वाले हैं अपने लोकेशन पे। और बारिश भी जोरदार आया इधर, तो और ज्यादा जोरदार आया, तो चलिए चलते हैं। फिलहाल हम तो आ गए अपने लोकेशन पे, और पार्टी अभी तक आया नहीं है, हमने उसे फोन किया था, और 9:38 हो रहा है अभी फिलहाल, 9:38 हो गया हुआ है, पार्टी अभी तक आया नहीं है, हमने आते समय ही फ़ोन कर दिया था और बोला है अभी 10 मिनट और लगेगा, तो चलो हम वेट करते हैं, उसके बाद खाली वगैरह करवाएंगे, माल अनलोड होगा, और अनलोड होने के बाद में हम जाएंगे अपने फिर रिटर्न लोकेशन पे, और तब तक हमारा नमाज का टाइम हो जाएगा, क्योंकि आज है फ्राइडे और 11:30 में हमारे यहाँ पर जुमा होता है। चलिए बैठते हैं, थोड़ा इंतज़ार 10 मिनट और करते हैं, पार्टी आ जाएगा, उसके बाद अनलोड वगैरह करवाएँगे, फिर हम चले जाएँगे वापस अपने होम टाउन, क्योंकि वहाँ पे हमें आज नमाज जुमा अदा करना है, तो 11:30 तक वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। तो चलिए वेट करते हैं, और आपको फिर आगे अगर कुछ हुआ तो दिखाएंगे, वरना दूसरा टिप कुछ लगेगा तो दिखाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे खाली करते समय देखो बारिश भी आ गया, और ये रही अपनी माल, मैंने गाड़ी ऐसे लगाया, आज हमारा पहला टिप, और लोड ओवर रहता है, क्योंकि ओवरलोड नहीं मारोगे तो रेंट नहीं मिलेगा, इसीलिए ओवरलोड उठाना ही पड़ेगा हमें। ये 1500 प्लस है, और हमारा कैपेसिटी 710 का है, तो फिलहाल हमें इतना तो लोड करना ही पड़ता है। और ये बारिश आ गई, तो हमें यहाँ पर फिलहाल आज अनलोड करते हुए हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि भीग जाऊंगा, तो आपको इसीलिए दिखा पा रहा हूँ अभी, तो चलो अनलोड करवाते हैं। तो अपना माल यहाँ अनलोड हो गया हुआ है, गाड़ी हो गई है खाली, और सीधे चलते हैं, यहाँ से हाईवे से हम निकलेंगे, तो फिलहाल सीधा ही चलते हैं। और अपनी गाड़ी की मेन ग्लास तो दिख नहीं रहा है आगे का कुछ भी, ये हल्की बारिश होने से ऐसा ही होता है। अब देखो, ये देखो, ये डंपर से मिट्टी गिर रहा है ना इधर, इसी के कारण से ये सड़क पे मिट्टी है, पर दिख तो नहीं रहा है। तो चलो ऐसे ही चला के चलते हैं, कहीं पे पानी मिलेगा तो साफ किया जाएगा। अब इसकी वजह से होल्ड करके पानी को जो वैसा तो नहीं हो सकता है, और ये हल्की बारिश देने से ऐसा ही होता है। आग फ्रंट से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, अभी तो कैमरे में ऐसा है, रियल में भी वैसा ही है। तो चलो चलते हैं आगे, कोई सोच तो दिखा नहीं पाऊंगा, तो और सीधा ही चलता हूँ, मस्जिद जाना होगा, टाइम हो गया, तो मस्जिद नमाज जुमा पढ़ के उसके बाद आपको आगे का दिखाऊंगा। हमने गाड़ी को गैरेज में लगा दिया, और गाड़ी बहुत गंदा हो गया, ये आप देख सकते हो, ये आप देखो पूरा गंदा हो गया ना। तो फिलहाल हम लोग नमाज पढ़ के आ गए हैं, और अभी सेकेंड टिप हम जाने हैं, और अभी टाइम है हमारा, तो ये वाला हम वॉश कर लेते हैं सिर्फ, और बाकी हम बाद में वॉश करवाएंगे। फिलहाल ये ग्लास शाम को जाना है एक सेकेंड टिप, उसके लिए अभी धुलाई कर ले रहे हैं बढ़िया से, गाड़ी नहीं धोएंगे सिर्फ ग्लास धोएंगे, ये ग्लास। It's not a game, it's a rap.